बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीते दिनों ही उन्होंने अपने कार्यभार संभाला था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक सवाल उठा जा रहा है कि जब मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ही लेना था तो उन्हें मंत्री पद की शपथ ही क्यों दिलाई। इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको हम बताते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जिसके बाद राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने का न्योता दिया। उनके साथ अन्य 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मेवालाल चौधरी को भी इसमें जगह दिया गया, जिन पर शिक्षा घोटाला का आरोप है। माना जा रहा है कि उनके मंत्री बनने के बाद हंगामा नहीं होता तो जदयू कोटे से मंत्री होते, लेकिन हंगामा हो जाने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, जिससे सुशासन बाबू की छवि बरकरार रह जाएगी। वहीं दूसरे कारण यह भी है कि जदयू कोटे के सभी 5 मंत्री अलग अलग जाति के हैं। विजय चौधरी भूमियार, विजेंद्र यादव यादव, अशोक चौधरी पासी, मेवालाल चौधरी कुशवाहा, शीला मंडल ओबीसी जाति से हैं। माना जा रहा है कि नीतीश ने मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में बिहार में 4.5% क्वेरी यानी कुशवाहा वोटर को ध्यान में रखकर शामिल किया था।